अभी तो बताऊँ, कल ही मेरा शोल्डर जो है इंजर्ड हुआ था। जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर सरकार जम्मू कश्मीर को स्पोर्ट्स हब बनाने की कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 कश्मीर के उभरते खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आ रहा है। मेरा नाम सिमरन महराज है और मैं नेशनल रग्बी प्लेयर हूँ। मैं लास्ट 3-4 ईयर से खेल रही हूँ और मैं JK को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जी, तो आपकी ग्रीवेंसेस क्या है यहाँ पे? बींग ए गर्ल यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब हमारे पास ग्राउंड है बट द प्रॉब्लम इज़ हमारे पास वॉशरूम नहीं है। मतलब लास्ट 4 ईयर्स से मैं कंटिन्यू देख रही हूँ। मतलब हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है लिटरली। मतलब हमें ग्राउंड में कॉर्नर में बैठना होता है, हमें वहाँ पर चेंज करना होता है। दैट्स नॉट अ राइट थिंग बिकॉज वी आर इन कश्मीर और यहाँ पर नहीं ये सब चलेगा। सो बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरी। तो अब जो स्पोर्ट्स पॉलिसी आई है इसकी क्या होप्स रहेंगी? यस, आई थिंक बहुत अच्छी होप्स है इसके लिए, क्योंकि ये जो पॉलिसीज़ है हमारे लिए बहुत अच्छी है। ज़्यादातर लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है, राइट, बॉयज़ के लिए भी बहुत अच्छी होगी बट बीइंग ए गर्ल लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छी होगी। फर्स्टली हमें सारे अलॉट्समेंट मिलेंगे, फंड्स मिलेंगे और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्योर बच्चे हैं नहीं कर सकते वो एबल स्पोर्ट्स में ज्वाइन करने के लिए, तो इन पॉलिसी के थ्रू उनको फ़ंड भी मिलेगा, तो उस हिसाब से उनके लिए बहुत अच्छा। क्या ग्रीवेंसेस है आपके यहाँ पर? देखिए, हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्राउंड नहीं है, हमारे पास वॉशरूम नहीं है, तो ग्राउंड ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क जो है, इंजरीज रिस्क है वो है। देखिए, आपको ये भी तो बताऊँ, कल ही मेरा शोल्डर जो है इंजर्ड हुआ था, तो इसके लिए आप मांगते हैं अभी हमें ग्राउंड। तो चेंज लगता है कि इस पॉलिसी से आपको फ़ायदा मिलेगा? हाँ, देखिए, लगता तो है पॉलिसी से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज तक यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़ आई है लेकिन अभी हमारा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ है, तो देखते हैं कि अभी क्या बेनिफिट मिल सकता है इस पॉलिसी से। आपका नाम क्या है और आप किस टीम के लिए? मेरा नाम अफरीदी रियाज है, मैं रियल कश्मीर टीम में खेल रहा हूँ। जी, तो क्या ग्रीवेंसेस रहेगी आप? ग्राउंड का प्रॉब्लम है यहाँ पर बहुत सारा, जैसे कि यहाँ पर ग्राउंड देखिए, आप सब देख सकते हो यहाँ पर इंजरी बहुत होती है, यहाँ पर कीचड़ भी है। इस वक्त हम इसी में खेल रहे हैं, जैसे कि TRS पे यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड हैं, वैसे ही होने चाहिए यहाँ पर बहुत सारे ग्राउंड्स, और वहाँ पर तो बड़े लेवल के टूर्नामेंट भी होने चाहिए। तो इसीलिए ओके, आई एम महविश रशीद एंड आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई प्ले रग्बी फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स, सो आई एम हेयर टू रिप्रेजेंट JNK एंड वी आर स्टार्टिंग अ कैम्प। हमारा जो नेशनल लेवल स्टार्ट हो रहा है 9th से हमारे मैच से, सो वी आर लीविंग फ्रॉम हियर फ्रॉम 6th ऑफ जून, तो हम वापस आ रहे हैं अराउंड 13-14। यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा कमी है कि मैं आपको बोलूँगी, जब से मतलब मैं आई हूँ, पहले साल हमारे पास ग्राउंड था, थोड़ी घास आई थी, तब से हमें बोला गया कि ग्राउंड ठीक होगा, जैसे कि आप देख सकते हो पीछे के 2 साल से इसको चल रहा है कि ठीक होगा, टर्फ लगेगा, लाइट्स लगेगी, वो लगेगा, ये लगेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक दिन हम पोलो में होते हैं, दूसरे दिन हम गिंदर में होते हैं। इवन हम लड़कियाँ हैं, हमें दूर से आना है, तो हम ऐसे वाले कपड़े लगा के नहीं आ सकते हैं, तो हमें चेंज करना है, तो चेंजिंग रूम भी नहीं है। कभी हम सर की गाड़ी में चेंज कर लेते हैं, कभी सर घर से टेंट लेके आते हैं, हमारे पास चेंजिंग रूम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा ये हम पे ध्यान दें कि हमारे लिए चेंजिंग रूम रखे, वॉशरूम रखे, इवन हमारे पास एक ग्राउंड अच्छे से अलॉट करें, अगर अलॉट किया है तो उसको ठीक भी करें। ये कि कल वो रहे, कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा। इवन हमारे पास यहाँ पे आए थे बहुत सारे मिनिस्टर्स, हमें उनसे भी ये बात की कि हमारा ग्राउंड ठीक कीजिए, हम कहाँ जाए हमारा वॉशरूम, मगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। पूरा सारा ऐसे जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही अभी तक है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।